भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। आज 18 तारीख को जो तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हमारी तहसील में किया जा रहा है, इसमें अभी तक लगभग हम लोगों को 110 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतें सभी प्रकार की प्राप्त हो रही हैं, जिसमें से नगर निगम के संबंधी स्ट्रीट लाइट और नाली निर्माण की शिकायतें हुई, राजस्व में चक्रोड या सरकारी संपत्ति पर कब्जे के संबंध में शिकायतें हुई, कुछ शिकायतें पुलिस से संबंधी प्राप्त हो रही हैं। पुरानी हमारी अभी तक 32 शिकायतें हमारी लंबित हैं, और जिसका हमने सुबह 10 बजे ही समस्त जो अधिकारी यहाँ उपस्थित थे उनको बता दिया गया था कि आप इन शिकायतों को आज शाम तक ही निस्तारित करके उनको भेज दें, और हम उम्मीद करते हैं आज हमारी शिकायत निस्तारित होकर आ जाएगी और हम लोग कल तक हमारी शिकायतें निस्तारित चढ़ा देंगे पोर्टल पर। आज कुछ विशेष अधिकारियों को आपने कुछ जिम्मेदारी क्या है, वो जिम्मेदारी से क्या फायदा मिलने जा रहा है? देखिए, शासन की मंशा है कि शिकायतों का निस्तारण एक तो समय अंतर्गत हो और गुणवत्तापूर्वक हो, तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस संदर्भ में हम लोगों ने 10-10 शिकायतों का एक बंच बनाकर और जो यहाँ पे हमारे अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको उपलब्ध कराया है और उनसे अनुरोध किया है कि वो शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात करें और उनका जो भी टिप्पणी है उसको हमने 4 कॉलम दिए हैं उनको, उन कॉलमों में उनको अंकित करें, तो उससे हमें एक फीडबैक मिलेगा कि जो निस्तारण हमारे अन्य विभागों से आ रहे हैं वो कितने गुणवत्तापूर्वक किए जा रहे हैं। इसमें हमें ये भी ध्यान रखा है कि हम एक विभाग की शिकायतों के जो निस्तारण है उनकी जांच जो है वो किसी अन्य विभाग के अधिकारी से करा रहे हैं, जिससे कि उसकी हमें सही स्थिति समझ में सामने आ सके कि उसमें जो गुणवत्तापूर्वक शिकायत का निस्तारण किया गया है या फिर उसका निस्तारण फर्जी तरीके से किया गया है। समय सीमा रखिए। देखिए, फोन करने की बात है तो 10-10 लोगों को इन लोगों को फोन करना है, तो मैं समझता हूँ कि आधे घंटे में फोन करके एटलीस्ट हमको प्रथम दृष्टया की बात क्लियर हो जाएगी कि उन 10 में से कितने लोगों की शिकायतें फर्जी निस्तारित हुई हैं और कितनों की सही निस्तारित हुई हैं। जो हमें उसमें ये लिख के आएगा कि शिकायतकर्ता असंतुष्ट है या शिकायत ठीक से निस्तारित नहीं की गई है, उन शिकायतों को निकलवा के हम लोग पुनः जांच के लिए भेजेंगे, जिससे कि तहसील दिवस में आगे लोग कम आना शुरू हो, पुरानी शिकायतों की निस्तारण दोबारा कराए जाएं। अच्छी अधिकारी हैं जो अनुपस्थित हैं तहसील दिवस से? अभी तक तो मैंने जो अटेंडेंस रजिस्टर देखा है उसमें हमारे शायद 2 अधिकारी ऐसे हैं जो अभी अनुपस्थित हैं, एक तो बीडी, दोनों ही हमारे एबीएसए हैं, एक एबीएसए अकोला है और एक एबीएसए, मैं बताऊं आपको, ये है एबीएसए बिचपुरी, तो इन दोनों के बारे में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं कि एक शायद इलाहाबाद गए किसी काम से और एक की तबीयत खराब है, तो हम लोगों ने उनके प्रार्थना पत्र ले लिए हैं, बाकी उनसे पूछा भी जाएगा क्या कारण था।